है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपने एड्स में भी पढ़ा होगा। नो मैम। चलिए कोई बात, अब हम पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मतलब क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। तो जरूरी है और ना हो तो क्या होगा, दोनों एक ही बात है। तो यदि रिप्रोडक्शन नहीं हो तो क्या होगा, जनरेशन खत्म हो जाएगी। जैसे हम हैं, अपने पेरेंट्स से आए हैं, हमसे एक नई स्पीशीज आएंगी, उनसे नहीं आएंगी, तो एक ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस चलता रहेगा। मान लीजिए कि रिप्रोडक्शन रुक गया, रिप्रोडक्शन रुक गया तो क्या होगा, हम यहीं फिनिश हो गए, आगे की जनरेशन नहीं होनी, और फाइनली ह्यूमन बीइंग पूरा खत्म हो गया। एज वेल वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, एनिमल्स में भी सेम होगा। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो क्यों जरूरी है, टू कंटिन्यूशन ऑफ एनी स्पीशीज, कि किसी भी स्पीशीज की को या किसी भी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए या लाइफ साइकिल में लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई। रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेकंड इज द असेक्सुअल। When the beginning of the reproduction is started from the male and the female gametes, then it is called to be the sexual reproduction. If the reproduction is start from the single parent, then it is called to be the asexual reproduction. समझ में आ गई? तो sexual reproduction के examples क्या-क्या हो सकते हैं? Human being हो सकता है, animals हो सकते हैं, plants और plants भी हो सकते हैं, और asexual का plants. Asexual के unicellular organism हो सकते हैं, जो एक कोशिका से बने होते हैं। उनमें क्या होता है, फिशन वगैरह होता है, तो उससे भी क्या बन जाता है, नया एक बॉडी बन जाता है। समझ में आ गई? तो अभी इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन मैं बता देती हूँ कि रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट इज नेसेसरी टू कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ ऑफ एनी स्पीशीज। कि रिप्रोडक्शन क्या है, वो एक प्रोसेस है जो कि जरूरी है किसी भी प्रजाति के कंटिन्यूएशन, मतलब कि निरंतर विकास के लिए जरूरी है। समझ में आ गई? इट इज टू टाइप्स, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट टेक पार्ट, एंड द सॉरी एसेक्सुअल में, और सेक्सुअल में क्या होगा, बोथ द पेरेंट मींस मेल एंड फीमेल टेक पार्ट। समझ में आ गई? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद में जो क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे आएगा, फर्स्ट आएगा कि राइट द एग्जांपल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर दैट व्हाट इज द मीन बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली द सिंगल पेरेंट विल बी टेक पार्ट। सिंगल पेरेंट ही क्या करेगा, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है यदि आपको याद हो तो हाइड्रा, अमोबिया, अमीबा भी बोलते हैं जिसको, इसमें बाइनरी फिशन होता है। समझ में आ रही है? अब कैसे होता है जिसको नहीं पता मैं बताती हूँ। पहले आप हेडिंग डालेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट आता है फिजर। फिजर का मतलब क्या होता है, एक मिनट सामने बोर्ड पे देखते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो सपोर्ट मटेरियल सब कुछ लिखा। फिजर का मतलब क्या होता है, टूट जाना का मतलब ब्रेक हो जाना। इट कैन बी ब्रेक इनटू टू पीसेस, कैन बी ब्रेक इनटू द मेनी पीसेस। समझ में आई? इफ इट विल ब्रेक इनटू द टू पीसेस देन इट इज कॉल्ड टू बी द बाइनरी। इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी। इट विल ब्रेक इनटू द मेनी पीसेस देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल मल्टीपल। समझ में आई ये चीज? बाइनरी का एग्जांपल क्या आएगा आपका, अमीबा या अमोबिया। और जो आपका मल्टीपल वाला है उसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है? यहाँ पे ये चीज याद हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर ये चीज याद हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजन, फिजन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। टू में या टू से मोर, टू में होता है तो दैट इज अ बाइनरी, और टू से मोर में होता है दैट इज अ बाइनरी। का एग्जांपल अमीबा, अमीबा मल्टीपल का एग्जांपल प्लाज्मा। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट राइट इन योर लैंग्वेज, पढ़ आप लिखिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं पूरा बना दूंगी चैप्टर को, सपोर्ट मटेरियल। एक क्वेश्चन आएगा कि शो द बाइनरी फिशन इन द, क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा बेटा आप इसको।
स्पीडली लिखेंगे आपको मेरी स्पीड के साथ चलना चाहिए. शो द क्वेश्चन लिखिए. शो द बाइनरी फिशन. इन लक्ष्मानिया. लक्ष्मानी हाँ जी. एक नया एग्जाम्पल है. अब देखिए क्वेश्चन आ गया मानिए एग्जाम्पल और आपको नहीं आता तो अब करना क्या है. देखो क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया तरीके से ये दिया है कि बाइनरी फिशन है तो जिस बच्चे को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो कि फिशन का मतलब टूटना और बाइनरी का मतलब क्या है यहाँ से आपका 50% डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपको एक पेरेंट से दो बनाने बस इतना इतनी चीज समझ में आ गई. अब दो बनाने तो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए तो आप दो बना देंगे. ऐसा होगा कि नहीं होगा बिना पढ़े क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा. फिशन का मतलब आपको पता ही है. फिशन का मतलब क्या हो जाता है. तो मान लीजिए कि मैंने स्ट्रक्चर आपको लक्ष्मानिया का दे दिया. टारगेट आपका क्या होना चाहिए इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना. यदि आप इसको एरो लगा करके दो लक्ष्मानिया बना देते तो भी ठीक है और प्रोसेस से तो हम बनाएंगे नहीं. मान लीजिए नहीं आता तो आपको पढ़ना क्या है इसका एक एरो लगाओ और दो लक्ष्मानिया बना दो ऐसे कि ऐसे क्या बन गए दो बन गए और ये बाइनरी फिशन हो गया. कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया. अभी हम थोड़ा सा प्रोसेस से जाएंगे. ये क्या है एक लक्ष्मानिया. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा इसका जो सेंटर है ठीक है ये तो होने लगा. और फाइनली क्या होगा ये जो इसमें स्पेस बन रहा है ये आगे तक चला जाएगा और किस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी. समझ में आएगी नहीं आएगी. और इट इज कॉल्ड और इस तरीके से फाइनली क्या बन जाएगा दो लक्ष्मानिया. हां दिखाना ठीक है दिखाना आपको कि एक से क्या बनी दो डॉटर सेल्स बनी और ये दो बनी है इट इज बाइनरी क्योंकि ये टूटा है इट इज कॉल्ड द फिशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. समझ में आ गई. आपको पता इतनी सारी कहानी याद करने के पीछे सिर्फ आपको एक चीज लर्न करनी है लक्ष्मानिया दिखता क्योंकि बाकी का तो आप अपने आप कर ही देंगे. पता नहीं होता क्या है लक्ष्मानिया एक वो है जैसे अमीबा होता है प्लाज्मोडियम होता है. ठीक है समझ में आ गई वीडियो. यस मैम बनाइए इसको. मैम बना रहे हैं. नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है. एक तो होता है नॉर्मल ब्रेक प्रोसेस से हो रहा. फ्रेगमेंटेशन का मतलब अचानक टूट जाए. फ्रेगमेंटेशन कई बार नहीं होता है जैसे मान लीजिए कि कोई चीज अचानक ब्रेक हो जाती है तो फ्रेगमेंटेशन. ठीक है तो ये कब होता है मैच्योरिटी पे होता है. किस में पाया जाता है स्पाइरोवायरा में पाया जाता है. इट इज अ टू सेकंड टाइप. द फर्स्ट टाइप इज द फिशन सेकंड टाइप इज द फ्रेगमेंटेशन. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि अचानक ऑन द मैच्योरेशन You will get the two daughter cells. Two daughter cells का मतलब ये है एक से आपने क्या जो आपको कितने मिले दो मिले. समझ में आ गई. तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आप याद करेंगे स्पाइरोगायरा. बेटा कभी नहीं मतलब कि क्वेश्चन आता है ना तो इस तरीके से आता है स्पाइरोगायरा इज द एग्जाम्पल ऑफ तो आप क्या कहेंगे फ्रेगमेंटेशन. यदि रिप्रोडक्शन में से क्वेश्चन है अमीबा इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी. लक्ष्मानिया इज एग्जांपल ऑफ द बाइनरी. प्लाज्मोडियम इज एग्जांपल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. यहां तक क्लियर हो गई. तो स्पाइरोगायरा को हम स्टडी करते हैं कैसा है. मैं तो बना देंगे. नाम क्या है प्रोसेस का जल्दी बताइए. फ्रेगमेंटेशन. क्या नाम है. ठीक है ये स्पाइरल हो गया. यस मैम.
ये इसमें मैच्योरिटी आई, बड़ा हुआ ये और टूट करके किसमें कन्वर्ट हो गया, दो अलग ये नहीं है, खोल ले तो बवाल निकला। ठीक है बेटा, पढ़ लिया ये? अभी ये भी बना है। बस जल्दी बनाओ बेटा, फ्रेगमेंटेशन हो गया। मैम सही सुनाओ। मैम ले लीजिए। पूरा इसको बड़ा नहीं चाहिए।